कैसे पालूंगी वे उन्हें, मैंने कुछ नहीं चाहिए। कहाँ लगाऊंगी जी मैं इसने, किसके भरोसे पालेंगे यार। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की मोर्चरी हाउस से। आपको बताना चाहूंगी कि जो एक बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मर्डर का ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक को कुछ दिनों पहले मारा पीटा जाता है, हलवाई का वो काम करता था, प्रदीप उसका नाम बताया जा रहा है। और आज यहाँ मोर्चरी हाउस में सभी इकट्ठा हुए हुए हैं, तो यहाँ पर आप उनका परिवार देख सकते हैं। उन बताया जा रहा है कि 27 वर्षीय युवक प्रदीप के दो बच्चे हैं, बीवी है। क्या कुछ इस परिवार पर बीत रही होगी जिसने अपना ये बेटा खोया, उनसे मैं बातचीत भी एक बार जरूर करना चाहूंगी। तो क्या कहते हैं, क्या हुआ था मैम, पूरा मामला कुछ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था जी, तो कुछ नहीं, बस बूझ थे जी, ऐसे पीट दिया जी। तो जी पहले मतलब हॉस्पिटल में एडमिट थे काफी दिनों तक? नहीं जी, त्वार नहीं करा था जी एडमिट, फिर उन्हें दवाई दुई देकर घर भेज दिया था जी। तो फिर अब एकदम से ये कैसे हो गया पता नहीं जी, उल्टी खून की, उसका खून की उल्टी नहीं बंद हुई उसका जी। हाँ, चोट लग रही थी नहीं, हो छाती में गहरी चोट थी, सिर में थी, उसकी खून की उल्टी बंद नहीं हुई मैडम जी। फिर कल उसकी हालत खराब होगी जी, दो ढाई बजे फिर उन्होंने अपने प्राण दे दिए। कोई कमाने वाले मेरे तो आदमी भी बोला हो रहा जी। एक ही लड़का था जी, ये उसकी वाइफ है, लड़का दो लड़की है या मेरी बहू, दो छोटे छोटे पोता पोती है। शादी तो जी हो गए काफी दिन हो गए शादी ना, तो दो बच्चे, एक साल की गुड़िया है, 3 साल का लड़का है। तो अभी ये जिन पे आपने कार्रवाई नहीं कर रही जी पुलिस वाले, मेरे बेटा रात का 2-2.5 बजे का हो रहा जी, मारने वाला जी एक तो जोगिंदर है और एक दीपू है, राजिंदर और दीपू, प्रदीप तो काले कर दो नाम है जी। मैंने कुछ नहीं चाह, बदू आ जाओ जी मेरे बेटे का, जैसे मेरे बेटा का यानि मना जाए नहीं साहब चाहिए भाई, एक ही मेरा बेटा था वही मन को माँ का कुआ रहा था जी, मैं कौन देगा, मेरा तो आदमी भी बोला हो रहा, मैं किस तरह पालूंगी जी मेरे बस का, कैसे पालूंगी वे उन्हें, मैंने कुछ नहीं चाहिए। कहाँ लगाऊंगी जी मैं इसने, किसके भरोसे पालेंगे यार। तो आप देख सकते हैं एक माँ कितना रोते हुए नजर आ रही है। एक बेटा मेरे पर, मैंने तो उसी का सारा था, उसके सारा हम कर खा रहे थे कि मैं वो कर रहा था कि मैं माम कर लेते, उसके लार मारा टाइम पास हो रहा था जी, वो भी नहीं हमारे पास, कैसे गुजारा होगा हमारा। एक एक लौता लड़का है जी मैम जी, मेरा गुजाल करो मेरे बच्चे का, मैंने कुछ नहीं साफ चाहिए मैम जी। तो अभी पुलिस ने कुछ बताया, कार्रवाई नहीं करी जी अभी तक, कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई मैडम। आपका नाम? एक लौता लड़का है जी, मैं करनाल त्रावड़ी से आया हूँ, जितेंद्र नाम है जी मेरा। तो सर ये क्या मामला था वैसे, असल में मतलब हुआ क्या था? नहीं वैसे हम तो रिश्तेदार जी अभी आए, इतना तो हमें पता नहीं, लेकिन मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं इसके बारे में। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हो सर इसमें? कार्रवाई तो ये है जी, ऊंची कार्रवाई करनी चाहिए, अगर कोई इसमें मतलब कोई किसी ने अगर कोई किया है तो उनको उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए जी, अरेस्ट होने चाहिए, जो भी मतलब करने कानूनी प्रावधान उसके अनुसार उसको सजा मिलनी चाहिए जी। ये जाटो गेट के रहने वाले? हाँ जी, जाटो गेट के रहने वाले, प्रदीप नाम है जी, और एक छोटी लड़की है इसके पास में, छोटा लड़का है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं जी, और पूर फैमिली से मतलब बिलोंग करते हैं जी, बीपीएल परिवार है जी। तो आप यहाँ पर एक माँ और उनकी वाइफ देख सकते हैं कि किस तरह से रोते हुए नजर आ रही है, अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की जो मांग कर रही है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि उसकी हत्या की गई है। सभी से मैं यहाँ पर अपील करूँगी, खबर को शेयर जरूर करें। बताया जा रहा है कि प्रदीप के जो फादर है वो भी मेंटली डिस्टर्ब है, पर प्रदीप अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था, और उनकी वाइफ और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। एक माँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रोते हुए नजर आ रही है। फिलहाल उनका यही कहना है कि कोई कार्रवाई इस मामले में अभी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि मोर्चरी हाउस में जो ये सभी लोग मौजूद है, उस बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। सभी से अपील करूंगी खबर को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आप करनाल के मोर्चरी हाउस से देख रहे हैं, और ये बच्चे आप देख सकते हैं, ये प्रदीप, ये लड़की है जी, हाँ 1.5 साल की है जी। वो आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे ये मासूम से बच्चे पढ़ेंगे, ये
कौन तुम्हें उठेगा इनका? ये लड़का उनका। हाँ जी लड़का है। तो आप देख सकते हैं ये लड़का है ये लड़की, इनकी छोटी छोटी है और दोनों बताया जा रहा है कि बहुत ही छोटे हैं। और पापा जो उसके बताए जाते हैं प्रदीप के फादर जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो परिवार में कौन कमाएगा और खाएंगे कहाँ से? सभी से अपील करूंगी खबर को शेयर जरूर करें, परिवार भी गरीब बताया जा रहा है क्योंकि हलवाई का बताया जाता है वो काम करते हैं, क्या खाने जाएंगे? बड़ा गरीब है, दादा पागल हो रहा है लिए। ये बच्चे देख लो थम अपना थम लड़की दिखा भी सीधी बोली है जी, लड़की ने भी नहीं मेरा क्या ही का भी काम करका कह लेगी, वह दिहाड़ी मजदूरी कर लेगी, वह भी सीधी बोली है, बता कौन दे और जेठनी कौन कमा के देगा, सुसरा पागल हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे इनका गुजारा कैसे होगा? तो आप देख सकते हैं कि रिश्तेदार है वो भी आपको रोते हुए नजर आ रहे होंगे, तो परिवार पर क्या बीत रही होगी, आसपास के लोग भी इस परिवार के लिए रोते हुए नजर आ रहे हैं। सभी से अपील करूंगी यहाँ परिवार को इंसाफ दिलाने में जरूर जोड़े और उनकी मदद करें। लाइव तस्वीरें आप करनाल की मोर्चरी हाउस से देख रहे हैं, करनाल के जाटो गेट का रहने वाला ये परिवार बताया जा रहा है। सर और क्या बताना चाहेंगे कुछ? बस मैडम यही बात है कि छोटी छोटी बातों पे जो इतना बड़ा अंजाम दे देते हैं उन लोगों को, ऐसा इसके बारे में मतलब सोचना चाहिए, अभी परिवार के बारे में पीछे सोचना चाहिए भाई किस तरह परिवार पड़ेगा किस तरह नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है जी, कानून की तो कोई व्यवस्था रही नहीं हिसाब से मैडम, हर कोई मतलब कहने का छोटी छोटी बातों पर खून खराबा करे सरियाम सीएम सिटी होते हुए, तो मतलब ये हमारा पिटा गया था ना, हमारा पिटा ही गया मैडम, वो तो पोस्टमार्टम से मतलब क्लियर हो जाएगी बात क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन सीएम सिटी होते हुए मैडम ऐसे दहशत फैल रही है तो मतलब फिर सीएम सिटी होने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सीएम सिटी करनाल है, मुख्यमंत्री का ये शहर है, सभी से अपील करूंगी खबर को शेयर करें और दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो घटनाएं सामने आती है, कल भी एक मर्डर केस इसी तरह से सामने आया था, सभी से अपील रहेगी खबर को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, हम एडवोकेट मैम है उनसे ही बात करना चाहेंगे। मैम आप क्या बताना चाहेंगे इस मामले में? मैम पुलिस के पास एक कंप्लेंट आई थी चोरी की, वो 5 दिन पहले की कंप्लेंट है जिसमें हमारे लड़के प्रदीप के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उसने कोई बर्तनों की चोरी कर ली है और वो हमारे बर्तन नहीं दे रहा है, तो उस शिकायत के ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर पुलिस उस शिकायत के ऊपर कार्रवाई कर लेती, अगर हमारा लड़का दोषी होता तो वो जेल में होता, और अगर वो दोषी नहीं होता तो दोनों को बिठा के उनका समझौता कराया जा सकता था। आज ये नौबत नहीं आती पुलिस पता नहीं, और मतलब बहुत ज़्यादा डराया हुआ था बच्चे को, देखो उसका नतीजा आज ये है कि लड़के को घर से बुला के ले गए आरोपियों ने, अपनी खूब खुंदक निकाली, लड़के को बहुत ज़्यादा मारा, उसके बाद उसको घर पर आके उल्टियाँ लग गई, माँ बाप ने उसको यहाँ पर एडमिट कराया, और एक 25 साल का लड़का उसको खून की उल्टियाँ बगैर किसी मारपीट के क्यों आएंगे? तो मैम क्या कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं और फादर बताया जा रहा है मेंटली डिस्टर्ब है, तो परिवार को कैसे गुजारा कैसे होगा? ये तो क्योंकि वो अकेले सोचना चाहिए, देखो सरकार को और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि उनकी छोटी सी ढिलाई बहुत महंगी पड़ जाती है। अब ये देखो ये छोटी सी लड़की है, एक लड़का ये है, तो मतलब यार कौन जिम्मेवारी लेगा इसका? इनके घर में और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, महिलाएं बच गई बस, और क्या बच गया? जो इनके फादर साहब हैं वो मेंटली वैसे ही थोड़े से परेशान हैं। मैम क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई ऐसा है जी, 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग इस समय यहाँ पर बैठे हैं और लाश हम जब उठाएंगे जब गिरफ्तारियाँ हो जाएंगी। तो आरोपी फरार हैं अभी कहाँ हैं? नहीं आरोपी फरार हैं, अभी तक तो कोई गिरफ्तारी हुई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो डेड बॉडी तब उठाएंगे जब आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, तो सभी से मैं अपील करूंगी खबर को शेयर जरूर करें। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ मौजूद है कि उस बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए सभी इकट्ठा हुए हैं, सभी से अपील रहेगी खबर को शेयर जरूर करें। पीट करी हो जिसकी वजह से वो डेथ हो जाती है, अगर पुलिस समय से पहुंची, उनका जो भी डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट क्या था, उन्हें बर्तन लेके आते थे, हलवाई का काम करते हैं, वो बर्तन लेके आते थे, वो बालाजी चले गए टेंट वाले और उसके बाद घर पे रहे और उन्होंने चोरी का मामला दर्ज करा दिया। मामला तो कुछ भी नहीं था, टेंट 10 दिन तक सामान पड़ा रहता है टेंट हलवाई का आपस में, परंतु उन्होंने साजिशन कुछ ऐसा किया है और घर से बुला के लेके गए हैं, और जिन बच्चों ने ये काम किया ना उनको अभी रोक दिया जाएगा, तो आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर एक मैसेज आएगा। तो पुलिस के पास कोई भी FIR दर्ज होती है चलो उसकी आप तफ्तीश तो करो कम से कम, बुला के क्या चोरी की गई या नहीं, तो ये सिटी थाने के डिपार्टमेंट ने इसको डिले किया जिसकी वजह से इस लड़के की डेथ होगी, तो मैं तो कहता हूँ कि सिटी थाने में जिन्होंने ये डिले किया है उनको भी साथ में कप्तान साहब ने शामिल करना चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि डिले क्यों करते हैं। ये लाडो बगड़ी का है अपने जाटो गेट से, और वे उनका टेंट हाउस का यहाँ बता रहे हैं, ये आशी चौक के ऊपर आनंद विहार के अंदर। अमित जी ये हलवाई सामने पुलिस बोल रही है कि मामला दर्ज 302 के अंदर कर लिया गया है, और क्या आपको लगता है कि नहीं किया गया? देखिए सर मीडिया के सामने तो पुलिस ने 15 दिन तक बैठे रहे, जब भी कह रहे थे कर देंगे 2 दिन के अंदर, पर 15 दिन की लड़ाई के बाद काम किया,
मतलब पुलिस से जो स्टेटमेंट देती है ना अकॉर्डिंग टू लो क्या होता है कि वो आंदोलन को तोड़ने के लिए भीड़ को इधर उधर करने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट दे सकती है। FIR तो दर्ज आप करोगे ही करोगे, अब नहीं करिए थोड़ी देर में कर दोगे, वो तो करनी पड़ेगी। पर मेन मुद्दा ये है कि उनको गिरफ्तार कब करोगे? अगर वो आरोपी नहीं है तो अपने घर के अंदर बैठे पाएंगे, अगर आरोपी है तो वो तब तक फरारी है। अब पकड़ते क्यों नहीं, लाओ पकड़ के। कब पकड़ोगे? जब और लोग ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, फिर लो एंड ऑर्डर खराब करने वाले ये गरीब मानोगे, फिर ओमिक्रोन भी यही फैला रहे होंगे। ये सारा का सारा जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन ही है जो इस तरीके की कार्रवाई करवाने को मजबूर करता है, नहीं तो सब लोग घर बैठे थे तुरंत प्रभाव से पकड़ लेते, जेल के पीछे डाल देते, तो लोग इकट्ठा ही ना होते और परिवार को भी संतुष्टि मिल जाती। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोर्चरी हाउस में समाज के लोग पहुंचे हुए हैं। सभी से अपील करूंगी खबर को शेयर जरूर करें। और आपको क्या लगता है कि इस तरह से मारपीट कर किसी समस्या का समाधान निकल सकता है? क्योंकि इतना ज्यादा बताया जा रहा है, उसको मारा पीटा गया, उसको खून की उल्टियां लगती है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, वाइफ है, फादर मेंटली डिस्टर्ब है। तो सभी से अपील रहेगी खबर को शेयर जरूर करते रहे। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।